संयुक्त राष्ट्र जिन सतत विकास लक्ष्यों की बात करता है और तमाम देशों की पॉलिसी में शामिल करवाने का दबाव बनाए रखता है, उनको भारत सरकार व राज्य सरकारें दिखावे भर के लिए ही अपनाती है। संतुष्टि के लिए लिखित अथवा मौखिक रूप में कुछ और कहा जाता है, लेकिन उन्हें लागू करते वक्त क्रूर, अन्यायी, विषमतावादी व घोर जातिवादी तरीके अपनाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नवीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को काफी अहम माना गया है और डिजिटल डिवाइड को पाटने के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को साधने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को सरकारी कंपनी जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड के बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से चलाया है, जिसमें शीर्ष पूंजीपति मुकेश अंबानी की जियो कंपनी प्रमुखता से शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को संतुष्ट करने के लिए कुछ समय तक फ्री अथवा सस्ती इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, लेकिन वर्तमान में हालात ये है कि भारतीय टेलीकॉम व डिजिटल सेक्टर में मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने एकाधिकार हासिल कर लिया है और वो भारी मुनाफा कमा रही है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए सरकार द्वारा सस्ते कंप्यूटर अथवा मोबाइल डिवाइस के साथ साथ मुफ्त अथवा सस्ते इंटरनेट को गांव-गांव व आम जनों तक पहुंचाने की बात थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के भरपूर प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूट ली है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनके द्वारा देखा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के एजेंडों को भारत सरकार ने किस प्रकार की मानसिकता के साथ और कैसे लागू किया है, इनका ज्यादातर फायदा किन लोगों ने उठाया है, जबकि गरीब, पिछड़े, वंचित, हाशिए के लोगों, मूल निवासी भारतीयों की स्थिति में कोई खासा अंतर देखने को नहीं मिला है। यह इस बात का जिक्र करना बेहद ही महत्वपूर्ण व प्रासंगिक होगा कि ज्यादातर इन भारतीयों ने हमेशा ही समतामूलक समाज अथवा बेगमपुरा निर्माण की बात कही है, लेकिन भारत में आमतौर पर देखा जा सकता है कि इन लोगों के साथ अन्याय व अत्याचार का सिलसिला जो सदियों पहले शुरू हुआ था वो बदस्तूर आज भी जारी है। हालांकि उन अत्याचारियों व अन्यायी लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साम दाम दंड भेद फूट डालो राज करो की नीति व छल पाखंड के द्वारा भारत के तमाम सत्ता संस्थानों व संसाधनों पर अतिक्रमण किया हुआ है। देश की बड़ी पूंजी को वे पहले से ही हड़प कर निगल चुके हैं और डकार तक नहीं ले रहे हैं, और तो और वे अभी भी लगातार देश को लूटने में लगे हैं। देश की शासन सत्ता पर आसीन लोगों के चरित्र व व्यवहार को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि हाल में जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों को शामिल करने भर की संतुष्टि प्रदान की गई है, उन्हें क्रूर व विषमतावादी तरीकों से लागू किया जा सकता है। फलस्वरूप उनका मोटा लाभ वर्ग एवं जाति विशेष के लोग ही उठा सकेंगे। इसीलिए गरीब, पिछड़े, वंचित, हाशिए के लोगों, मूल निवासी भारतीयों के उत्थान व सतत विकास के लिए डाइवर्सिटी को सख्ती के साथ अपनाने के लिए कड़े कानूनों व कठोरता के साथ उनकी पालन किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही एक भिन्न इकोनॉमिक मॉडल व पृथक फंड की दिशा में कार्य करने की भी अत्यंत आवश्यकता है।